हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लॉ करने का, जिसके अंदर सबसे पहले हम कवर करेंगे लॉ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स। देन हम उसके बाद डिस्कस करेंगे वंस यू हैव कंप्लीटेड द लॉ तो क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं आपके पास लॉ करने के बाद, कैसे आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, क्या डिफरेंस होता है एक लॉयर और एडवोकेट का, ये सारी चीजें आज हम वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज। इस चैनल पे आपको सारी करियर टॉक, स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस एंड एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। लॉ एक ऐसा करियर है जिसने अपकमिंग ईयर्स में बहुत ज्यादा स्कोप देखा है, ग्रोथ देखी है। पहले जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं लॉ में, अब उसका डबल हो चुका है नंबर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस ग्रो कर चुके हैं। ऐसे नहीं आपके पास लॉ करने के बाद सिर्फ एक या दो करियर ऑप्शंस ही होते हैं, आइदर यू कैन बिकम एन एडवोकेट, आपके पास और भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। हर किसी को एक अच्छे लॉयर की रिक्वायरमेंट रहती है। आइदर यू कैन अप्लाई एनी पॉलिटिकल पार्टी, आप गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हो, जुडिशियल सर्विस में अप्लाई कर सकते हो, आइदर यू कैन स्टार्ट योर ओन ऑफिस, और आप एज अ मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एडवोकेट की तरह अप्लाई कर सकते हो, यू कैन फाइट दी केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप कर सकते हो। आप दो टाइप से LLB का कोर्स कर सकते हो, आइदर यू कैन गो आफ्टर डायरेक्टली आफ्टर 12, जिसके अंदर आप कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, आप 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हो, या आप उसके बाद 3 साल का प्रोग्राम कर सकते हो अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद। इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको 1 साल का बेनिफिट मिल जाता है, आप 1 साल आपका सेव हो जाता है अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो। एंड जो LLB है, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप जाके एडमिशन ले लो। LLB एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसके अंदर एडमिशन सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के होते हैं। दे हैड जस्ट मिनिमम क्राइटेरिया इन 12th और ग्रेजुएशन। अगर आप 12th के बाद जा रहे हो तो बहुत मिनिमम क्राइटेरिया होता है, लाइक 45-50%, एंड अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो सेम अप्लाइज, बट आपको मेन होता है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना, उसके बाद आप एक अच्छे LLB के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। वंस यू हैव कंप्लीटेड दी LLB, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप के अंदर आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको हियरिंग लेनी है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, किस तरीके से आपको कोर्ट में जाके क्या रूल्स होते हैं कोर्ट के, तो ये सारी चीज़ आपको इंटर्नशिप में कराई जाती है। इट्स नॉट कंपलसरी, बट कहा जाता है कि आप इंटर्नशिप लोगे तो आगे आपको बहुत बेटर होगा। स्टेप होता है आपको स्टेट बार काउंसिल में जाके रजिस्टर करना होता है, और ये जो स्टेप होता है ये मैंडेट होता है। उसके अंदर रजिस्टर करने के बाद आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आप एडवोकेट कहलाते हो, अनलेस आप एक लॉयर हो, एडवोकेट नहीं हो अगर आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं होता तो। दिस इज कंपलसरी टू गिव द एग्जाम अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हो तो। उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस में जाना चाहते हो, आइदर यू वांट टू बिकम द क्रिमिनल लॉयर, जज बनना चाहते हो, सिविल लॉयर बनना चाहते हो, इंटरनेशनल लॉयर बनना चाहते हो, तो ये सब चीज़ों की स्पेशलाइजेशन आपको सोचनी होती है कि मैं किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। देन उसके बाद ऑप्शन होता है कि फिर बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन होती है कि अच्छा मुझे हाई कोर्ट में केस लड़ना है या मुझे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइट करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो अगर सबसे पहले होता है हमारा लोअर कोर्ट, आपको सबसे पहले अगर आप लोअर कोर्ट में आपको इंटर्नशिप और कुछ सालों तक काम करना होता है, उसके बाद बात आती है आपकी हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट में जाने के लिए, हाई कोर्ट में अप्लाई करना चाहते हो और फाइट करना चाहते हो कोई भी केस, तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोअर कोर्ट के अंदर, या आपने इंटर्नशिप करी होनी चाहिए हायर कोर्ट के किसी एडवोकेट के अंडर, तो आप हायर कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हो और वहां पे कोई केस फाइट करना चाहते हो तो अप्लाई इन सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट लड़ना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसके एग्जाम की एलिजिबिलिटी यही है आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर मतलब फाइट करने का, या आपने इंटर्नशिप करी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी एडवोकेट के अंडर, तो आप एक एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लड़ सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वॉन्ट्स दैट कि आप एक क्वालिटी मेंटेन करो वहां पे, मतलब उनकी क्वालिटी होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो मेंटेन करो, वही लोग वहां पे, वही एडवोकेट्स वहां पे केस लड़ सकते हैं। बट अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हो तो आपकी 1 डे हियरिंग ही बहुत ज्यादा कॉस्ट करती है, मतलब बहुत बड़े जो हमारे लॉयर्स हैं उनकी जो हियरिंग कॉस्ट है दैट इज अराउंड 10-15 लाख रुपीज पर केस।